हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आसन। अभी हम डिस्कशन करेंगे कवल टाइगर रिजर्व के बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली न्यूज में है कवल टाइगर रिजर्व। सो चलिए देखते क्या है। सो ये था न्यूज जो हिंदू न्यूज़पेपर में, एडिक्वेट वाटर इन द कवल टाइगर रिजर्व। ओके, नो मेन एनिमल कंफ्लिक्ट फॉरसीन ऑन अकाउंट ऑफ एनाफ रिजर्व। ओके, सो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर देंगे इसमें। सो क्या हुआ ना, कवल टाइगर रिजर्व जो है उसमें वाटर का बहुत शॉर्टेज था पास्ट में, बट अभी जो है फिलहाल जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे वाटर होल जो है बनाया, सो देट वहाँ यहाँ का जो है वाटर सफिशेंट है। सो इसके बारे में यहाँ पे जो एडिक्वेट वाटर इन कवल टाइगर रिजर्व, ये है हमारा टॉपिक है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, पास्ट में बहुत सारा इंसिडेंट होता था वाटर मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, बट देयर इज नो इंसिडेंट ऑन द वाइल्ड एनिमल्स स्ट्रेइंग इन ह्यूमन हैबिटेशन। ओके, क्योंकि उनको तो पानी आराम से मिल जाता है, सो देट यहाँ पे ज़्यादा वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इस रिजर्व के बारे में हम देखेंगे, ये स्प्रेड है 893 स्क्वायर किलोमीटर स्कोर इन एरिया। ओके, वाटर होल के बारे में देखेंगे, रिजर्व जो है कवर्स एरिया जो है आदिलाबाद, कुमराम भीम, आसिफाबाद, ओके, मंचेदिलयाल एंड निर्मल डिस्ट्रिक्ट इन द तेलंगाना। ओके, सो ये जो है कवल टाइगर रिजर्व, ये तेलंगाना में है। वाटर जो है वहाँ पे अवेलेबल अभी सफिशेंटली है, ड्यू टू मैंने यहाँ पे मेंशन किया वाटर होल के बारे में। ओके, सो दैट यहाँ पे जो है बहुत सारा जो है सरस्वती कैनाल, श्री राम सागर प्रोजेक्ट। ओके, तो रिजल्ट क्या है, यहाँ पे वाटर अवेलेबल है जो कि खानपुर इन निर्मला डिस्ट्रिक्ट ऑफ। ओके, सो ये था करेंट न्यूज। सो कवल टाइगर रिजर्व के बारे में देखेंगे, ये है लोकेटेड कहाँ पे ना, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना स्टेट ऑफ द इंडिया। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एज ए टाइगर रिजर्व इन 2012 में। ये तो पहले क्या था ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, फिर बाद में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 2012 में। सो ये जो रिजर्व है, ये सबसे ओल्डेस्ट सेंचुरी है इन द नॉर्दर्न तेलंगाना रीजन ऑफ द स्टेट में। ओके, सो इसमें यहाँ पे क्या है ना, अबंडेंट फ्लोरा एंड फौना भी है जो कि यहाँ पे रहते हैं। एंड सेंचुरी में क्या है, रिवर्स गोदावरी एंड कदम जो है ये फ्लो करता है टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द सेंचुरी। ओके, हिस्ट्री देखेंगे तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1965 में, लेटर इसको डिक्लेयर किया गया था जो है प्रोटेक्टेड एरिया 1999 में। ओके, से ये क्या है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से 1972 के अंडर आता है। एंड फ्लोरा के बारे में देखेंगे, फ्लोरा यहाँ पे बहुत सारे है जो कि रिचेस्ट टीक फॉरेस्ट जो है यहाँ पे बहुत है, और डेंस प्रिस्टाइन एरिया फ्री ऑफ ह्यूमन डिस्टर्बेंस है। एंड द रिवर कदम जो है फ्लो होता है यहाँ पे, ड्राई डिसीडियस टीक फॉरेस्ट है यहाँ पे, मिक्सड है जो कि बंबू रहता है, टर्मिनल एरिया रहता है, पिट्रो कर्पियस रहता है। ओके, अनागोई सस देता है यहाँ पे, एंड सेसियस रहता है यहाँ पे। जो फ्लोरा के बारे में देखेंगे तो फौना के बारे में देखेंगे, मामल्स स्पेसीज यहाँ पे रहते हैं जो कि साइटेड है, एंड इंक्लूडिंग टाइगर है, लियोपार्ड है, गौर है, चीतल है, सांभर है, ओके, नीलगाय है, बार्किंग डियर है, चौसिंगा है, एंड स्लॉथ बियर है। ओके, एंड बहुत सारा स्पेसीज ऑफ बर्ड्स भी है, रेप्टाइल्स भी है, एंड इसी जो ये जो सेंचुरी में मिलते हैं। ओके, दरअसल